हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रथ यात्रा पर 10 लाइन का निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली लाइन, भारत में मनाए जाने वाले महोत्सवों में जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी लाइन, यह उत्सव आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जो प्रायः जून के महीने में आता है। तीसरी लाइन, भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। चौथी लाइन, जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव ओडिशा में पूरे 10 दिनों तक चलता है। पांचवी लाइन, जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में बड़ी धूमधाम से निकलती है। छठवीं लाइन, रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। पहले रथ में भगवान बलराम, दूसरे रथ में देवी सुभद्रा तथा तीसरे रथ में भगवान जगन्नाथ बैठते हैं। सातवीं लाइन, यह उत्सव न केवल भारत बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के भी आकर्षण का केंद्र रहता है। आठवीं लाइन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचकर पूरी होती है। नवी लाइन, जगन्नाथ रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा, रथ महोत्सव इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। दसवीं लाइन, जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता तथा सौहार्द की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।